हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है, अभी टाइम हो गया 7:30 का और अभी मैं सब्जी में लगा रही हूँ तड़का। और मम्मी उपली साइड मतलब टाइल साफ करें और शीशे साफ करें, क्योंकि आज हमारे को पानी आया है। तो मम्मी ने सोचा कि चलो पाइप से साफ करें, क्योंकि पाइप से ईजी रहता है और कपड़े भी बहुत सारे धोने को आया आज हमारे को। तो थोड़े बहुत से मैं मशीन में डाल दिए और थोड़े बहुत से अभी और बचे हैं। मम्मी के कमरे की बेडशीट वगैरह, दादा दादी के कमरे की बेडशीट, रजाई के गिलाफ वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, तो सब कुछ धो रही थी। तो बस और शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को, जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, तड़का वड़का लगाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर लगी हूँ मैं सब्जी में तड़का लगाने के लिए। मैंने सोचा पहले सब्जी में तड़का लगा के रखती हूँ और फिर जाऊँगी बाकी काम करने के लिए। और जितने देर तक हम बाकी काम से फ्री होंगे, एटलीस्ट सब्जी तो बनी होगी, तो मैं सोचा सब्जी में तड़का लगा के ही जाऊँगी। तो आज हमने बनाई थी शिमला मिर्च और आलू की सब्जी, तो मैंने सब्जी में तड़का लगाया। उसके बाद मैं जाऊँगी मम्मी की हेल्प करने की, क्योंकि मम्मी भी ऊपर अकेले लगे थे और मम्मी को ज़्यादा झुक के काम करना नहीं होता है। डॉक्टर ने मना किया है मम्मी को झुक के काम करने के लिए, बट मम्मी सुनते ही कहाँ हैं। और उसके बाद मैं चले गई थी ऊपर। हमने आज पूरे घर की अच्छी सी सफाई की पानी के साथ, इसलिए क्योंकि आज हमारे को पानी आया था और हमारे को 5 दिन के बाद पानी आता है। और बीच हमारा ना गांव काफ़ी बड़ा है, मतलब 400 लोग तो रहते ही होंगे हमारे गांव में। हमारे गांव में ना मतलब जैसे गांव एक है, बट हमारे को 2 दिन में पानी आता है। एक दिन में हमारी साइड आता है और एक दिन में जहाँ मेरी कज़न वगैरह का घर है उनकी साइड आता है। और हमारे यहाँ पर ना पानी की भी टाइमिंग रहती है, 6 बजे पानी आएगा और 10 बजे पानी तोड़ देंगे। 5 दिन के बाद पानी आएगा और उसके लिए भी टाइमिंग रहती है। तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जनसंख्या बहुत है हमारी। और हमारे यहाँ पर ना मतलब बहुत मतलब 3-4 तो स्कूल है नीचे, तो फिर लोग रूम पर रहते हैं मतलब, तो पानी खर्च तो होता ही है। तो हम लोगों ने भी आज जम के सफाई की, क्योंकि कपड़े भी बहुत धोने को थे और मतलब सड़क के साथ है ना घर, तो सारे में धूल हो जाती है। इसीलिए हमारे को ऐसे सफाई मतलब पानी से सफाई तो करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैं लगी हूँ, यहाँ पर भी नीचे की साइड की टाइल वगैरह साफ़ की मैंने, और मम्मी और दादी भी लगी थी। मम्मी धो रहे थे ब्लैंकेट और दादी भी उनकी हेल्प कर रहे थे। बाकी कपड़े तो हमने मशीन में धो दिए थे, बेडशीट वगैरह और वो वगैरह थोड़े बहुत से पहनने के थे वो भी मशीन में डाल दिए थे। तो मम्मी ने बोला कि ब्लैंकेट हाथ से ही धोते, क्योंकि मशीन में ना काफ़ी मतलब पानी वेस्ट होता है और देर भी लगती काफ़ी। तो मम्मी ने चलो उसको हम हाथ से ही धो देते हैं। और उसके बाद हम लोग लग गए थे यहाँ पर अपना अपना काम करने। तो मैं लगी हूँ यहाँ पर वाइपर से साफ करने और दादी डाल रहे हैं मेरे को पानी और मम्मी धो रहे पीछे ब्लैंकेट, क्योंकि 3-3 ब्लैंकेट थी। और मम्मी का ऐसा था कि भाई पानी टूटने से पहले हम लोग ब्लैंकेट धो देंगे, क्योंकि ब्लैंकेट में ना बहुत पानी मतलब लगता है धोने के लिए। तो हम लोग ना ब्लैंकेट हमेशा बाहर ही धोते हैं। जो आप नीचे देख रहे हो ना मैट, ऐसा ही हमने मतलब बोरू होते हैं ना आटे के, चावल के और सीमेंट के, तो इसके बोरू का मैट बनाया होता है और इसको बाहर बैठ डालते हैं मतलब, और इसके ऊपर हम लोग ब्लैंकेट धोएंगे। और मम्मी वगैरह की कम्बल की जो ब्लैंकेट है ना डबल बेड, ये इतनी भारी होती है ना उठाने के लिए, बहुत भारी। तो मैं तो इसको उठाते उठाते मतलब गिर गई थी एक बार तो नीचे। अब दादी बोल रही थी कि कम्बल धोते धोते मतलब गिर रही है, बोला मैंने बहुत भारी है उठाने। तो आज हमने इतने सारे कपड़े धोए ना, ऐसा लग रहा है घर नहीं दुकान लग रही देखो कपड़ों की। और बेडशीट ना ऊपर बिछाई थी सारी नीचे की, ये मम्मी घर के कमरे की बेडशीट थी और ये दादी वगैरह की, और ये मतलब गेस्ट रूम की बेडशीट है। और देखो दादी ने अपने रजाई मतलब वो गद्दे बाहर निकाले। और बाकी तो छोड़ो, आज हमने डोफू को भी अच्छे से नहला दिया। क्यों डोफू, मज़ा आया ना? तो आज हमने डोफू को भी नहला लिया, वरना तो डोफू को नहलाना बहुत मुश्किल होता है, इसको पापा ही नहलाते, बट आज हमने इसको नहला ही लिया। और फिर चमक रहा है मेरा डोफू। तो देखो वहाँ पर भी इतने सारे कपड़े धोए हमने, वहाँ ब्लैंकेट्स धोई है और मैं पूरी की पूरी भीग गई हूँ कपड़े धोते धोते। तो ये देखो, ये है दादा की ब्लैंकेट और ये है दादी की, और वो देखो मम्मी वगैरह की, मम्मी पापा के कमरे की ब्लैंकेट। तो और कुछ इस तरह का है आज का मौसम, बहुत तेज़ धूप लग गई है। तो अब खाते हैं खाना, मिलते हैं आपसे बाद में। और ये देखो शैम्पू ले गया था मैंने डोफू को नहलाने के लिए, तो एक दो से हो गया था, तो मैं वापस लेके आ गई, 3 ले गए थे मैंने। तो ये रहा मेरा खाना, शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनी और थोड़ी सी चटनी और अचार। और आज हमने बनाया है पटूरू, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बाहर दादी डमडम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा चिल्लू आए हैं, चिड़िया आई है हमारी चरी खाने। चलो खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। यहाँ पर लोग खाना खा के ख़त्म हो गए और डोफू को दे दे अब खाना, तो मैं खाती हूँ खाना। तो अभी टाइम हो गया 11:30 का और मम्मी और बुआ गए हैं, जिसका घर ये है ना बुआ, वो गए हैं लिंगड़ लाने। मतलब यहाँ से काफ़ी आगे खड्ड में मिलता है वो लिंगड़, वो मैं आपको जब मम्मी लेके आएगी ना तब दिखाऊंगी आपको। लिंगड़ की सब्जी होती है, बहुत टेस्टी होती है, तो आजकल के टाइम में मिलती है। तो मम्मी लाने गए और मैं सोचा जब तक मैं मम्मी के कमरे में, मम्मी पता नहीं कब तक आएँगे, तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के गद्दे बिछा के रखती हूँ, बेडशीट वगैरह,
और ब्लैंकेट तो गीली है, ब्लैंकेट तो शाम तक ही सूखेगी, और रजाई में बोग मम्मी खुद लगाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी रजाई है, मुझे इसमें बोग ही नहीं लगता है यार, बोग तो नीचे है और मम्मी खुद लगाएंगे, तब तो मैं बोग ये रजाई अंदर रखूँगी, नीचे गिरी, ओ भगवान भगवान, ये बहुत ही सा कपड़ा है ना, लिशपुशा सा बोलते जिसको, फिसल जाता है सीधा, तो पहले बेडशीट वगैरह बिछाते हैं, गद्दे ले जाते हैं फटाफट से अंदर। तो मैंने मम्मी करके कमरे में भी बिछा दिए बेडशीट और रजाई भी लेके आ गई उनकी यहाँ, और अब मेरे को दूसरे वाले कमरे में बिछानी है बेडशीट। तो यहाँ पर भी बिछा दिए बेडशीट और बस मेरा सारा काम हो गया, और बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और फिर हमारे घर कोई आने वाला है, जब आएंगे तब मिलवाऊंगी कौन आने वाले। तो चलिए चलते हैं बाहर की ओर, अभी हवा भी लग रही है। तो अभी मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ, और दादी ने अपने कमरे में खुद बेडशीट बिछा दी थी, तो मैं वहाँ पर बेडशीट बिछाने से बच गई। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और मिलते हैं आपसे बाद में। चल चल चल, चल। तो अभी पापा के लिए कोई उनका पार्सल आया है, पार्सल नहीं पता नहीं क्या है, लेटर आया है उनके लिए, लेटर आया, और ये डोफू डोफू देखो डोफू ये है मुस्कान जिसका मैं वेट कर रही थी। चल चल चल, नहीं खाता ये, ऐसे सोच रहा है कि कौन है ये मुस्कान है, मुस्कान। हाय एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया 4 बज गए, और अभी हम लोग बैठे हैं बाहर, मैं और मुस्कान है, और मम्मी अभी तक भी नहीं आए, बोल रहे थे कि आधे में पहुंच गए, पत्नी को लिंगड़ मिला कि नहीं मिला, और बोल रहे थे कि बोला बहुत थक गए हैं क्योंकि काफ़ी आगे तक गए हैं वो लोग पैदल वो भी। तो देखते मम्मी को लिंगड़ मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर मिलेगा फिर आपको दिखाऊंगी, नहीं मिलेगा तो फिर नहीं दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग छिल रहे हैं मटर, और दादी इनको भी खेत से लेके आए, हमारे अपने खेत में लगे हैं मटर, तो इनको छिल के रखते हैं, और फिर जैसे छिल के रखते हैं तो फिर अच्छी मतलब दाल बनती है इनकी, तो हम इनको भी छिल के रखेंगे। तो चलो छिलते हैं वगैरह भी आगे, हमने सोचा कि 2 ही लोग हैं और ये तो बहुत सारे लोग हैं, 3, 4, 5, 6 दिख रहे हैं। तो ये है लिंगड़ जो मम्मी लेके आए हैं, लिंगड़ की सब्जी, जो आप इसमें बाल देख रहे हो ना, तो सबसे पहले इस बाल को निकालना पड़ता है इस तरह से, और जैसे इसके बाल निकलेंगे ना उसके बाद इसको काटेंगे फिर, और इसको इतनी सी सब्जी मिली मम्मी वगैरह को, मम्मी वगैरह बहुत दूर गए थे और पैदल गए थे, फिर भी देखो इतनी सी सब्जी मिली, क्योंकि अभी लगा नहीं है बोलते लिंगड़, और मम्मी वगैरह को मिला भी नहीं बहुत, मतलब सारे में ढूंढा बट नहीं मिला, इतना ही मिला है। तो मम्मी ये लेके आए, और ये लिंगड़ पता कहाँ होता है, जहाँ पर मतलब पानी वगैरह होता है ना दादा, वहाँ पर होता है ये लिंगड़। तो चलो एक सब्जी तो मिल गई हमारे को इस साल की, और ये आजकल के टाइम में होता है वैसे लिंगड़ ना, मतलब और मेरे को बहुत अच्छा लगता है लिंगड़, लिंगड़ की सब्जी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और यहाँ पर मैंने मटर भी छिल दिया है, तो दाल भी पक गई है मेरी, और मम्मी अभी नहाने गए, मम्मी बोलती मैं बहुत थक गई हूँ बोलते, तो नहाती हूँ थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी। चलो कर रहे शाम की तैयारी, और रायता बनाएंगे आज हम थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैंने दही भी जमा दी थी इनको, तो चलो बनाते हैं। आपको लिंगल ढूंढने का मजा आया, तो अभी मम्मी आ गए नहा धोके, और अब मुझे करनी है शाम के डिनर की तैयारी, और आज ना हमारे यहाँ पर आने वाली है कंगना रावत, रणावत प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा मुझे, तो मतलब सबको बोला है आने को, महिला मंडल जो भी रहता है, बट हम लोग नहीं जा रहे हैं। और चलो मैं शाम के डिनर की तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पर मैं भी रायता बनाने लगी हूँ, तो आज की इस वीडियो कटनी यहीं करी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते कल एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।